नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या है, जिसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज ए टी के साथ या ए टी आर के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज ऑफ ए इन टू इट्स कॉलम। जब रोज कॉलम में शिफ्ट हो जाए और कॉलम जो है वो रोज में शिफ्ट हो जाए तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हमारे पास एप्लीकेशन भी बहुत सारी मिलती है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की एप्लीकेशन भी है, जिसे आप फर्दर जो है इसके अपने तौर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज जब चेंज होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स में तो उसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12 अप टू A1n, जैसे अभी मैंने लिखा भी था। ये जब नंबर ऑफ रोज में चेंज होगा तो यहाँ से ये हमारे पास क्या जाएगा, ए ट्रांसपोज जो आएगा ए टी हमारे पास जो बनेगा ए ट्रांसपोज, सो ये ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज ये तमाम की तमाम ये वाली जो रो है ये कॉलम बन गया, A11, A21 और A1n, और इसी तरह सेकंड जो रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया A21, A22 अप टू A2n, और इसी तरह nth हमारे पास फॉर्म में यहाँ पे nth कॉलम आ गया, nth रो जो है वो nth कॉलम आ गया। सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n, द ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज n क्रॉस m, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर था m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स मैं लिखूँ और आपको जरा आसानी से समझ आ जाए, एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 6, 5, अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। सो जब मैं इसका ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 6, 5, जो नंबर ऑफ रोज थी वो कॉलम में शिफ्ट हो गई। सो अब इसका ऑर्डर क्या बन गया 3 क्रॉस 2, मेन ऑर्डर जो है वो टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम। ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि हम जब नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज में जब शिफ्ट होगा तो उसका ऑर्डर जो है वो भी साथ चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया जाए, मैं लिख देता हूँ, और उसका दोबारा ट्रांसपोज कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ आ जाएगा। So A transpose into transpose, it's basically the same matrix जो हम जिसका transpose calculate कर रहे थे। Second है the transpose of a matrix K is equal to the constant times of transpose of a matrix। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी भी constant के साथ जो है वो multiply करें दो matrices, एक matrix को या दो matrices को, दूसरा भी हमारे पास है, so हम इसको लिख सकते हैं K A T is basically K into A T, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर का ट्रांसपोज स्केलर का स्केलर नंबर ही आएगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है, दी ट्रांसपोज ऑफ अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस, A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दी ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर, मीन अगर मैं बी ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं, यहाँ पे ए बी है, सो इसका जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो ट्रांसपोज आएगा ये ट्रांसपोज होना चाहिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद बी ट्रांसपोज के लिहाज से, मल्टीप्लाई विद बी ट्रांसपोज के लिहाज से। इसी तरह ये स्केलर की प्रॉपर्टी को मैंने पहले डिफाइन कर दिया, दो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हैं साथ स्केलर है तो हम उसको जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज है कुछ ट्रांसपोज के लिहाज से जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी को असाइनमेंट के तौर पे ही मैंने क्वेश्चन आपको असाइन किया है। एक क्वेश्चन है
जिसमें ए और बी जो है वो गिवन है, स्केलर आप के जो है वो किसी भी अपने तौर पे आप इसे सपोज कर सकते हैं, और स्केलर को आप सपोज कर लें कि के हमारे पास जो है यहाँ पे के इज इक्वल टू 5, देन आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो ऊपर गिवन थी उनको आप वेरीफाई करेंगे, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो, जैसे नंबर वन प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ए वापस आ जाएगा, मीन ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। मैं यहाँ पे आपको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ आसानी के लिए। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। दूसरी प्रॉपर्टी को अगर मैं इस सीक्वेंस में लिखूं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसी तरह फोर्थ पे स्केलर के लिहाज से सी ए या के ए, आप इसे के कह दें, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर दो प्रोडक्ट दो आ रहे हैं था स्केलर आ रहा है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स आपने मुझे सबमिट नहीं करवानी, ये असाइनमेंट जो है आप सबमिट नहीं करवाएंगे। इस वीक वन और वीक टू में से आपका इन्हीं टॉपिक में से एक क्विज होगा, इसी वीक में जो हमारा LMS के ऊपर क्विज होगा, उसके जो टॉपिक्स होंगे वो वीक वन और वीक टू, यानी कि लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू, लेक्चर नंबर थ्री और लेक्चर नंबर फोर के ऊपर मुश्तमिल होगा। अगेन ये असाइनमेंट आप सबमिट नहीं करवाएंगे। सो यही इस वीक का आपके लेक्चर था, स्टार्टिंग लेक्चर था। कोई किसी किस्म का आपको इसमें इशू हो तो हम जो मीटिंग रखेंगे आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सिमिलरली व्हाट्सएप के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।